जिला कांगड़ा के विकासखंड फतेहपुर की सबसे बड़ी पंचायत रहन का अब बंटवारा हो सकता है। करीब 12 वार्ड की पंचायत रहन विकास खंड फतेहपुर के साथ अभी कुछ वर्ष पूर्व ही सीमाओं के साथ जुड़ी थी, जिसका क्षेत्रफल व आबादी ज्यादा होने के चलते लंबे समय से आम ग्राम सभा का कोरम भी पूरा नहीं हो पाता था, जिस कारण पंचायत के विकास कार्यों पर भी ग्रहण लग जाता था। पंचायत के विकास कार्यों को गति मिले व कम क्षेत्रफल व कम आबादी पंचायत से जुड़े, इसके चलते कई दिनों से पंचायत के दो भाग करने या फिर उक्त पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिले, इसके लिए आवाज उठती आई है। उक्त पंचायत में जनरल हाउस बुलाया गया था, जिसमें जहां सैकड़ों लोगों ने हाजिरी भरी, तो वहीं प्रशासन की तरफ से एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद, वीडियो ज्ञान प्यारी सहित बीडीसी चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा, पंचायत प्रधान रमेश शर्मा भी उपस्थित रहे। जनरल हाउस के दौरान जहां कुछ लोग नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग करते दिखे, तो कुछ पंचायत को दो हिस्सों में बांटने की मांग करते दिखे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है रहन, और काफी लोग जो हैं हर दिन मेरे ऑफिस में अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, और उसमें से 90% ऐसी समस्याएं होती थी जो ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसका सोल्यूशन होना था। तो जब मैंने इसका पता किया, सेक्रेटरी से बात करी, पंचायत प्रधान से हमने बात की, तो ये पता चला कि काफ़ी 1.5 साल से जो है इसमें कोई ग्राम सभा प्रॉपर से नहीं हुई, और लोग इन्होंने अटेम्प्ट पूरा किया, जैसे जैसे डेट्स आती थी इन्होंने ग्राम सभाएं की, लेकिन उसमें कोरम पूरा नहीं होता था। उस वजह से कई स्थानीय मुद्दे जो थे वो अटके पड़े थे। तो मेरे से ये रिक्वेस्ट की गई कि जी आप इसमें आए, मैं आया इसमें, लोगों की अपने समस्याएं सुनी, आज इसका सारा कोरम पूरा हो गया, और जो जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको अब हम पूरे अच्छे से उनका निष्पादन करेंगे, और उनको उसके ऊपर जो है जिस भी विभाग से संबंधित होगा उससे हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे। उसमें जो जनता की डिमांड होगी उसके अनुसार होगा। यदि वो नगर पंचायत भी बनेगी तो वो भी रिजोल्यूशन जा सकता है, और यदि दो ग्राम सभा, क्योंकि आप खुद सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्राम सभा के लिए कोरम इकट्ठा करना, यदि आप तो 10,000 की ग्राम सभा बना दो, यदि उसका कोरम के लिए ही लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी ग्राम सभा होगी उसके लिए कोरम के लिए आपको उतने लोगों की संख्या जरूरत पड़ती है, और आज आप देख लो 1.5-2 साल के बाद जो है आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो इसके लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए यदि नगर परिषद बनेगी या इसका प्रपोजल जाएगा, नगर पंचायत का प्रपोजल जाएगा, तो केवल वो रहन का ही नहीं जाएगा, उसके साथ और क्षेत्र के जो पंचायत है उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो नगर परिषद जो है वो एक बड़ी चीज हो जाएगी, तो नगर पंचायत है चाहे नगर परिषद है जो भी है उसके लिए वो बड़ी चीज हो जाएगी, तो उसमें दूसरी पंचायतों को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की डेवलपमेंट के लिए आपको कोरम का होना ग्राम सभा से बहुत जरूरी है, चाहे आपको 2 बिस्वा जमीन हमने लोगों को देनी है। मेरा ज्यादा इंटेंशन जो थी वो उन लोगों के प्रति थी, क्योंकि 2 साल से हमारे कम से कम भी 15-20 ऐसे लोगों के इश्यूज पड़े हुए हैं जिनके लिए ग्राम सभा की NOC ना मिलने की वजह से जो है उनको हम प्रॉपर से 2 बिस्वा लैंड जो है वो अलॉट नहीं करवा पा रहे हैं।